हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब रेगुलर वीडियो देखते ही होंगे। अब वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना। पेरेंट्स, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को वीडियो देखने के लिए इंसिस्ट करें, क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, पर आपको अभी घर बैठे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, आज हम पॉलीनोमियल पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, हम कल लीनियर पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हमें पढ़ना है कि भाई लीनियर पॉलीनोमियल क्या है। तो लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 क्वाड्रेटिक का, 2 क्यूबिक का, 3 लीनियर का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लीनियर में 0 कितने होते हैं? 1। क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 2। क्यूबिक में कितना होता है? 3। ओके, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यूबिक का कैसा होता है? पैराबोला। क्यूबिक का कैसा होता है? तो जिगजैग। ओके, अभी एक और इक्वेशन है। अगर आपको सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा अगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है भाई सम ऑफ 0 ये है और प्रोडक्ट ऑफ 0 है ये है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्रिएट करना है। क्लियर? तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको याद रखना है, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है, ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? सेम वे क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर आपको बनाना है, भाई आपको सम ऑफ 0 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 0 टेकन एट अ टाइम दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो भी आपको दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिया हुआ है क्यूबिक पॉलीनोमियल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपको एक इक्वेशन क्रिएट करना है क्यूबिक पॉलीनोमियल का। तो उसके लिए इक्वेशन आपको याद रखना है, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, पहले क्या है माइनस, बाद में देखो प्लस, ये क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, जो हमने यहां लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 0s टेकन एट सेम टाइम, ओके, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स। ओके, तो इसका यूज करके आपको इक्वेशन बनाना है, यानी एक पॉलीनोमियल बनाना है। ओके, तो ये हम एक्चुअली एग्जांपल्स जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्या है, लेकिन ये इक्वेशन आपको रट लेना है। कौन से इक्वेशन मैंने अभी आपको बोला? तो मैंने इक्वेशन एक बोला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वाला, और ये के वाला एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स, ये आपको याद रखना है। अभी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, तो यहाँ क्या है भाई, जीरोज तो कौन से होते हैं? तो क्वाड्रेटिक में हमने देखा जीरोज कौन से, अल्फा एंड बीटा, और क्यूबिक में कौन से जीरो होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, उसका रिलेशन यानी ये अल्फा प्लस बीटा। ओके, आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो उसका आंसर आपको क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसके ऊपर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, तो मैं आपको बोल सकता हूँ भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो आप सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, माइनस बी अपॉन ए यानी बी का वैल्यू रख दोगे और ए का वैल्यू रख दोगे, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x माइनस 2, फाइंड सम ऑफ जीरो। क्या बोला हुआ है? फाइंड सम ऑफ जीरो, आपको सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ओके, तो सम ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करना है? तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आपको ये याद रखना है। ओके, वो हम कल भी पढ़े हुए थे।
तो बी क्या है, बी की वैल्यू यहाँ 3 है और ए की वैल्यू क्या है 2, यानी क्या होगा -3/2। क्लियर बच्चों? वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 2, यानी क्या हो जाएगा -2/2 -1। क्लियर बच्चों? वैसे आप क्यूबिक में भी फाइंड आउट कर सकते हो और क्वाड्रेटिक में भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए तो हमें स्टैंडर्ड 9 में फ्लैशबैक में जाना है भाई। स्टैंडर्ड 9 में अभी हमने ये सब आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, याद है आपको बच्चों? ये सब आइडेंटिटी याद कर लो, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है बच्चों, इसकी जरूरत पूरे 10th में आपको पड़ेगी। क्लियर? तो ये आप बारी बारी याद करो, बारी बारी रट्टा करो, लिखो, कुछ भी करो, लेकिन आपको याद रखना ही है। ओके बच्चों, चलिए तो आगे हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, कैसे पता चला? तो उसका डिग्री कितना है 2। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ क्या है, एक तो फाइंड आउट करना है भाई जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो यानी क्या, तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है। क्यों दो जीरो होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसलिए उसके दो जीरो है। क्लियर बच्चों? ओके, अभी यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ओके, तो मिड टर्म को स्प्लिट करने वाली आपको याद है, मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन थर्ड टर्म यानी लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये हम 9th में पढ़े हुए हैं। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने क्या किया था तब, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 10 = 10। फिर उसका क्या करते थे हम, फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, याद है ना बच्चों? ओके, 1 × 10, 2 × 5, ओके 5 × 2 = 10, 2 × 10 = 1। तो यहाँ देखो 5 × 2 यानी 2 + 5 = 7 होता है, तो हमें यहाँ क्या लाना है 7, यानी 2 + 5 करेंगे हम, क्या करेंगे 2 + 5। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5x + 10। क्लियर? तो क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे, वो आपको याद है, सेकंड और थर्ड टर्म में से, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से हमें 2 कॉमन निकालना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मिलेगा x + 2 और x + 5। क्लियर? यानी यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, x + 2 और x + 5 उसका फैक्टराइजेशन हुआ, यानी x + 2 = 0 हो सकता है और x + 5 = 0 हो सकता है। यहाँ आप ट्रांसपोज करोगे 2 को तो क्या मिलेगा, x = -2 और x = -5। 9th में पढ़े हुए बच्चों, याद है ना, भूलना नहीं है। क्लियर? ओके, तो यहाँ हमें दो जीरो मिल गए, कौन से -2 और -5, यानी अल्फा इक्वल टू हमने ले लिया -2 एंड बीटा इक्वल टू हमें मिल गया -5। क्लियर? अभी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। हमें ये इक्वेशन पता है, अभी हमने आगे पढ़ा भाई, अल्फा प्लस बीटा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्लियर बच्चों? तो यहाँ हमें मिलना है अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5,
और बी अपॉन ए कर रहे हैं, तो यहां देखो आप ए इक्वल टू क्या है, तो ए इक्वल टू है हमारा 1, बी इक्वल टू क्या है, तो बी इक्वल टू है हमारा +7, और सी इक्वल टू क्या है -10, ओके सॉरी +10, क्लियर। अभी यहाँ माइनस बी अपॉन ए यानी बी का वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा, -7/1 यानी -7, यानी उसका लेफ्ट हैंड भी वेरीफाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड भी -7 है, राइट हैंड भी -7, यानी ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर बच्चों। यानी जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फा एंड बीटा का, अगर उसका अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -7 मिलता है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए जो इक्वेशन है उसका यूज करोगे तो भी -7 मिलता है, यानी हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए वो क्या है, राइट है, क्लियर बच्चों, सही है, ओके। और एक इक्वेशन हमें पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ओके, तो अल्फा का वैल्यू क्या है -2, बीटा का वैल्यू क्या है -5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +10 हो जाएगा, ओके। अभी सी अपॉन ए इक्वेशन का यूज करते हैं तो सी इक्वल टू क्या है 10, ए इक्वल टू क्या है 1, 10/1 इक्वल टू 10, यानी यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे किया, ओके। तो मैंने क्या बोला, हर वीडियो आपको 2 से 3 बार देखना ही है तो ही आपको समझ में आ जाएगा, बाद में तो हम पढ़ने ही वाले हैं लेकिन ये आपको अभी करना है, क्लियर बच्चों, ओके। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। मैंने आपको बोला था भैया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको फाइंड आउट करने को बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा भाई आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसके जीरोस के सम, यानी आपको क्या दिया हुआ है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा -3 एंड अल्फा इंटू बीटा 2 है, क्लियर, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो मैंने आपको अभी बोला आपको भाई ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, याद रखो, ओके। मैं यहाँ स्टार बना बना रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, याद रखना है के इंटू x² - α+β इंटू x+α β, याद रखना है, ओके। हमारा जनरल इक्वेशन अलग है, जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx है प्लस से, लेकिन यहाँ क्या है -α+β x + α β। बच्चों यहाँ मिस्टेक होती ही है, सब लोग यहाँ प्लस रख देते हैं, ध्यान रखना है ये इक्वेशन है, ये जो पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का आइडेंटिटी है, आपको याद रखना है यहाँ माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस, याद रखना है, ओके ओके। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा के इंटू x² - -3 x + 2, -3 - बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ओके, यानी x² + 3x + 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो गया, x² + 3x + 2। के क्या है, के कोई मल्टीप्लायर है या इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है आपको यहाँ से लास्ट में, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, क्या करना है, इक्वेशन याद रखना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको ये इक्वेशन याद रखना है जो मैंने अभी बताया भाई, ये इक्वेशन आप याद कर लो, ओके। फिर इक्वेशन में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बी इंटू बीटा का वैल्यू दिया, आपको पुट कर देना है, ओके बच्चों, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट, हमारे पास एक और क्वेश्चन है टेक्स में, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल है ये, उसके जीरोज है, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना यानी क्या, जीरो है यानी क्या, अगर आप एक्स का वैल्यू 3 ले लेते हो, एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हो 3, ओके, ये जो पॉलीनोमियल यहां दिया हुआ है उसमें एक्स का वैल्यू 3 रख देते हो, अगर उसको सिंप्लीफाई करते हो और आंसर 0 आता है तो वो क्या है, वो ये पॉलीनोमियल का 0 है, क्लियर। चलो तो यहां हम देखते हैं, यहां एक जो पॉलीनोमियल था यानी एक्स इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक्स इक्वल टू 3, तो क्या हुआ 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 - 3, सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 मिल जाता है, यानी क्या है 3 0 है, 3 ए पॉलीनोमियल का 0 है, क्लियर, ओके। वैसे -1 पुट करना है, वैसे -1/3 पुट करना है, आप देख रहे हो यहाँ सब में क्या आता है 0 ही आता है, सब में आंसर क्या आता है 0, यानी ये तीनों क्या है, ये तीनों उसके 0 है,
क्लियर। अभी क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, अभी आपको उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो अभी हमने आगे पढ़ा भाई रिलेशन क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर थ्री इक्वेशन थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, सेकंड था अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो यहाँ हमें थ्री जीरोज मिल गए, कौन से, तो एक थ्री, एक माइनस वन और एक माइनस वन अपॉन थ्री, यानी एक अल्फा है, अल्फा इक्वल टू क्या है भाई थ्री है, तो बीटा इक्वल टू क्या है माइनस वन, और गामा इक्वल टू क्या है, तो गामा इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री है। क्लियर। अभी जैसे हमने आगे क्वेश्चन में किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, सेम थिंग है यहाँ, आपको क्या करना है, तो पहले अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पुट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है माइनस फाइव अपॉन थ्री, सॉरी फाइव अपॉन थ्री मिल रहा है। ओके, अभी क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमें पता है, क्या पता है, माइनस बी अपॉन ए है, क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप देख सकते हो भाई ए का वैल्यू क्या है, तो भाई ए का वैल्यू थ्री है, यहाँ देख सकते हो ए एक्स क्यू, यानी ए का वैल्यू क्या है थ्री, बी का वैल्यू क्या है माइनस फाइव, सी का माइनस डी और डी का माइनस थ्री, सॉरी सी का माइनस इलेवन, यहाँ हम लिख देते हैं भाई बी का इक्वल माइनस फाइव, सी की वैल्यू माइनस इलेवन और डी की वैल्यू माइनस थ्री, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो माइनस बी का वैल्यू क्या था, माइनस बी था, ए के वैल्यू क्या थी थ्री, यानी क्या हो गया फाइव अपॉन थ्री, यानी इसका भी आंसर फाइव अपॉन थ्री आया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हो तो उसका भी आंसर फाइव अपॉन थ्री ही आता है, यानी दोनों क्या हो गए वेरीफाई। क्लियर। सेम अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, तो वही करना है, अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू थ्री है, तो थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन इंटू थ्री, तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल रहा है, माइनस इलेवन अपॉन थ्री मिल रहा है। ओके, और इसका इक्वेशन क्या है, तो इक्वल टू सी अपॉन ए है, क्या है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू आप देख सकते हो, सी क्या था माइनस इलेवन था, ए क्या था थ्री, यानी माइनस इलेवन अपॉन थ्री, तो ये भी माइनस इलेवन अपॉन थ्री आ रहा है, ये भी माइनस इलेवन अपॉन थ्री, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इक्वल टू थ्री है, ओके, बीटा इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन अपॉन थ्री, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है वन मिल रहा है। ओके, अभी माइनस डी अपॉन ए, डी का वैल्यू क्या था, तो डी की वैल्यू थी माइनस थ्री अपॉन ए, यानी थ्री, तो माइनस थ्री बार ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री, थ्री अपॉन थ्री वन, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ओके, तो वैसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, अभी ये भी हम नाइन्थ में पढ़े हुए हैं भाई, कोई एक पॉलीनोमियल है उसको कोई और पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ कौन सा पॉलीनोमियल है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, एक्स स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेटिक, और एक्स प्लस टू यानी लीनियर, तो क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करना है। ओके, तो क्या करना है, तो डिवाइजर यानी हमारा डिविडेंड यहाँ क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और डिवाइजर क्या है एक्स प्लस टू। ओके, तो हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ डिविडेंड क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और डिवाइजर क्या है एक्स प्लस टू। ओके, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म देखना है, फर्स्ट टर्म क्या है टू एक्स स्क्वायर, क्या है टू एक्स स्क्वायर। ओके, उसको जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, टू एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, तो क्या मिलता है हमें टू एक्स स्क्वायर यानी टू इंटू एक्स इंटू एक्स, उसको x से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा टू एक्स, यानी हमें ऊपर क्या लेना है क्वेश्चन में, ऊपर अभी लेना है टू एक्स, क्या लेना है टू एक्स, अभी टू एक्स को x प्लस टू से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे टू एक्स को x प्लस टू से मल्टीप्लाई, यानी क्या मिलता है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स मिलता है। क्लियर, उसको यहां हमें पुट करना है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, जैसे सिंपल डिवाइड करते वैसे ही डिवाइड करना है, फिर क्या करना है यहाँ माइनस, यानी यहाँ जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर, अभी टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर जीरो, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एक्स, क्या मिला हमें माइनस एक्स,
अभी ये प्लस वन है, वो क्या करेंगे हम यहां लाएंगे नीचे, क्लियर। अभी क्या है तो यहां देखो, अभी माइनस एक्स है, क्या है माइनस एक्स, माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करना है, क्या करना है माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करना है, तो क्या बचता है माइनस वन, यानी यहां हम क्या लिख देंगे माइनस वन लिख देंगे, क्लियर। अभी जो माइनस वन आया उसको क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर था उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या होगा माइनस एक्स माइनस टू, तो यहाँ हमें क्या रखना है माइनस एक्स माइनस टू। ओके, अभी हमने आगे क्या बोला भाई, यहाँ जो साइन है वो चेंज करना है, यानी माइनस का क्या करना है प्लस, माइनस का क्या करना है प्लस, क्लियर। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया कट जीरो, प्लस वन प्लस टू क्या हुआ प्लस थ्री, क्लियर। तो समझ में आ रहा है आपको बच्चों, प्रैक्टिस करना ही है, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। ओके आपको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है भाई थ्री एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वेयर सॉरी थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव को एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना है, क्लियर। तो उसका एक रूल्स है, जो डिविडेंड है और डिवाइजर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन से बेस पे, तो उसकी पावर के बेस पे, जैसे कि यहाँ टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव था, तो हमने कैसे अरेंज किया भाई, एक्स क्यूब यानी उसका पावर थ्री है, इसका पावर टू, इसका पावर वन, तो ये थ्री वाला पहले लिया, एक्स स्क्वायर वाला सेकेंड, ये वन और ये, समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये हमने क्या किया ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, वैसे सेम थिंग डिवाइजर में भी क्या करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर आगे चला गया प्लस एक्स माइनस वन, क्लियर। फिर आगे जो हमने किया वैसे ही सेम, डिवाइड करते ही जाना है, डिवाइड करते ही जाना है। ओके तो पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ हमारे पास क्या है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। ओके उसका फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यानी उसको माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो क्या बचा एक्स बचा, यानी यहाँ हमने क्या लिख दिया एक्स लिख दिया। ओके अभी जो एक्स लिखा, जो एक्स हमने रखा है उसको क्या करना है, तो उस एक्स को ये जो डिवाइजर है हमारा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या मिलेगा हमें, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसको हमें क्या करना है उसके नीचे अरेंज कर देना है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बाद में क्या करना है ये साइन जो है वो चेंज कर देनी है, ये जो साइन है हमारी वो हमें क्या करना है चेंज, ये माइनस था तो हमने क्या कर लिया प्लस, प्लस था तो क्या कर लिया माइनस, माइनस था तो क्या कर लिया प्लस, क्लियर बच्चों। ओके फिर ये क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट हो गया जीरो हो गया, अभी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना होगा माइनस टू एक्स, ये प्लस फाइव का क्या करेंगे नीचे ला देंगे। ओके अभी हमारे पास क्या है टू एक्स स्क्वायर है, तो अभी हमें क्या करना है भाई टू एक्स स्क्वायर को, ये जो टू एक्स स्क्वायर है उसको क्या करना है माइनस एक्स स्क्वायर यानी डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा माइनस टू, यानी हमें यहाँ क्या लिख देना है माइनस टू लिख देना है, क्लियर। फिर क्या करना है, तो अभी जो हमने बोला वैसे सेम, माइनस टू को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, क्लियर। वो यहाँ हम रख देते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू रख दिया। अभी अभी क्या करना है साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अभी टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कट, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कट, 5 माइनस टू माइनस प्लस थ्री सॉरी, क्लियर। ये रिमेन है, अभी क्वेश्चन में क्या है भाई, वो तो हो गया डिवाइड तक कर लिया, फिर उसको वेरीफाई करो, आप क्या करो वेरीफाई, तो हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी हमारा ये डिवाइजर है, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्या है कोशेंट और ये हमारा क्या है रिमेन। ओके तो उसको यहाँ पुट करते हैं भाई, डिवाइजर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन एक्स माइनस टू है और रिमेन क्या है प्लस थ्री है, पुट कर दिया। ओके अभी आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट ये जो है उसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों, क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्लियर बच्चों। ये आपको अभी मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हो।
अभी यहाँ आप देख सकते हो तो ये माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव मिल रहा है, क्लियर। तो ये क्या है, हमारा डिविडेंड है, तो ये वेरीफाई हो गया, क्लियर। ये जो वेरीफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल क्या है, तो ये जो हम लिख रहे हैं डिविडेंड उसको हम पी एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी एक्स। जो डिवाइजर है उसको जी एक्स बोलते हैं, क्वेश्चन को क्यू एक्स एंड रिमेन को आर एक्स, यानी पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, वहां आर एक्स क्या होना चाहिए, तो भाई वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो, आर एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, और डिग्री ऑफ आर एक्स, तो आर एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, जो डिवाइजर है जी एक्स उससे कम होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होना ही चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल। तो इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलीनोमियल विथ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिवाइजर जीरो नहीं है, देन वी कैन फाइंड द पॉलीनोमियल क्यू एक्स यानी कोशेंट एंड रिमाइंडर एनी आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है। ओके, ये कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम है, आपको ये इक्वेशन याद रखना है, डीएक्स पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जो भी हमने पता हमने अभी देख लिया, अभी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमेन, वही लिखा हुआ है। और डिग्री ऑफ आर एक्स यानी जो रिमेन है उसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री ऑफ जी एक्स यानी जो डिवाइजर है उसका उससे छोटा होगा। क्लियर बच्चों? ओके, अभी और एक इक्वेशन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ इफ यू है यू नो दैट टू जीरोस, इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, अगर हमें उसके दो जीरो पता है, यानी रूट टू और माइनस रूट टू दो जीरो है वो हमें पता है, तो उसके और जीरो फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है बच्चों, इसमें भी सिंपल है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ भाई, यहाँ आपको दिया हुआ भाई एक्स इक्वल टू एक रूट टू भी हो सकता है और एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू भी हो सकता है। ओके, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एक्स रूट टू को आप यहां से ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, और यहाँ रूट टू माइनस रूट टू ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके फैक्टर्स है, यहाँ लिखा हुआ है जीरोज यानी फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो यानी क्या हुआ, तो भाई एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू उस दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आई, कौन सी आइडेंटिटी आई, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू मिल गया, क्लियर। ओके, तो ये क्या है, ये उसका एक फैक्टर है। ओके, जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, चलो 25 सॉरी चलो 25 नहीं ले रहे, 20 ले रहे, तो 20 के फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करते हो, क्या मिलता है, 2 टू जा 4, 4 फाइव जा 25, ये थ्री फैक्टर्स है, अगर ये तीनों में से किसी एक से डिवाइड करोगे आप, जैसे कि हमें फैक्टर 5 ले रहा हो, 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो रिमेन जीरो मिलेगा, रिमेन हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्लियर। ओके, 20 डिवाइड 5 करते हो तो क्या मिलता है, रिमेन 5 फोर जा 20, जीरो मिलता है। ओके, तो यहाँ में जो फैक्टर मिला उससे आप डिवाइड करोगे तो रिमेन क्या मिलेगा आपको, तो रिमेन आपको जीरो मिलेगा, क्लियर। यानी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा और रिमेन जीरो मिलेगा। तो यहाँ आप डिवाइड करते हैं, जो भी हमने आगे डिवाइड वाली मेथड देखी वही मेथड है, आप उसका यूज करोगे, डिवाइड करोगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अभी उसका फैक्टोराइजेशन करना है, क्या करना है, फैक्टोराइजेशन। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ये टोटल फैक्टराइज किया हुआ नहीं है, तो उसका फैक्टराइज करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, सॉरी प्लस वन है तो प्लस वन। ओके, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो आपको पता है भाई फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ओके, और ए माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन ये तो नहीं है, तो क्या करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, टू वन जार टू, फिर उसके फैक्टर तो वन टू जार टू। ओके, फिर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन एडिशन करने से या सब्ट्रैक्शन करने से थ्री मिलता है उसको यहाँ रखना है, जैसे कि यहाँ मैं रख रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर, अभी वन प्लस टू थ्री होता है ना, तो
तो 1 प्लस 2 मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर, इन टू एक्स प्लस 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, देखो 2x2 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 1। ओके, अभी ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से x कॉमन निकलेगा, 2x माइनस 1, ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा 2x माइनस 1, यानी क्या हुआ, तो भाई 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा। ओके, यानी 2x माइनस 1 और x माइनस 1 भी उसके फैक्टर है, वो भी क्या है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर है, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। ओके, अगर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यानी 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, यानी माइनस 1 अपॉन 2 भी एक 0 है। ओके, x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1, तो 1 भी उसका एक 0 है, तो उसके टोटल कितने 0 हो गए, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था पहले, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, यानी टोटल 4 0 हो गए। आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल था उसका डिग्री कितना था, 4, तो जितना डिग्री होता है उतना 0 हो सकते हैं, तो 4 डिग्री है, कितने डिग्री, कितना डिग्री है, 4, 4 डिग्री है, तो 4 0 हो सकते हैं, 4 0 मिल गए बच्चों, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे, आपको आगे प्रैक्टिस करते रहना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस में आप कोई गफलत नहीं करोगे, मैं आपसे इतना ही कहता हूं, प्रैक्टिस करो, अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब हम फिर से रूबरू मिलेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन तब तक आपको प्रैक्टिस करना ही है और करते ही जाना है। जो पता नहीं चल रहा है वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे रख सकते हो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। बच्चों आप कोई कमेंट नहीं देते हो, कुछ नहीं देते हो कमेंट, मेरे को पता नहीं चला है आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, तो कमेंट रखा करो, तो मेरे को पता चलेगा आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। ओके, तो अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अगर आपको भी डाउट है तो भी ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज डाउट नहीं है तो भी ड्रॉप करो, तो मेरे को पता चलेगा आपने ये वीडियो देखा है और आप समझ चुके हैं। ओके, आगे आपको क्या करना है वो आपको पता है, आपको एक्सरसाइज पूरा करना है, चैप्टर 2 की दोनों 2.1, 2.2, 2.3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके बच्चों, बाय।